ये देखूँ मान आप टक जाए कहीं। ओ भाई हमारी दो ओबे भाई साहब आ गया। ओ भाई हेलो दोस्तों, तो भाई आज हम उतारने वाले पतंग। ये देखो यहाँ पे हमारी दो दो पतंग पड़ी है। एक ये पड़ी भाई ये वाली, ये सिल्वर वो सिल्वर बोल रहा हूँ गोल्डन वाली, बहुत ज़्यादा बढ़िया पतंग है ये भाई। और ये वाली है जो ट्रांसपेरेंट पतंग है, आपको अभी लग नहीं रही होगी ट्रांसपेरेंट है, मगर ये ट्रांसपेरेंट है। और आज हम नई चीज़ क्या करने वाले हैं भाई, आज हम निकालने वाले हैं इससे पतंग भाई। किसी ने कमेंट करा था कि शॉर्पनर से निकाल के दिखाओ भाई, ये शॉर्पनर है। इधर की साइड देखो इसमें रबड़ है, और ये इधर की साइड है भाई शॉर्पनर। ये देखो ये रहा, तो भाई शॉर्पनर से आज हम निकाल के दिखा रहे हैं। पहले ये देख लो, ये रहा हमारा शॉर्पनर, ठीक है। ये ख़राब है इसलिए भाई इसे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ठीक चीज़ काय को फेंकूँ बेफालतू की, अगर चला जाए तो मेरे को गम ना हो, ताकि ये अटक वटक जाए। यहाँ पे देखो तार वार है ना, जो ये तार वार है इसमें अटक वटक जाए तो भाई कोई गम ना हो। इधर दो दो पतंगे पड़ी है, इन दोनों को निकालने वाले हैं हम इस शॉर्पनर की मदद से। इसमें बांधेंगे हम सद्दी और फिर निकालेंगे। देख लो इधर रबड़ है, इसको ना एक साथ नहीं फेंकेंगे, अलग अलग करके फेंकेंगे लंगड़, क्योंकि जब अगर ये जाए तो, और इसकी ना ये जो ढक्कन है ये खोल लेंगे, क्योंकि ये हल्का हुआ पड़ा है तो ये निकल के ना गिर जाए उधर, तो ये रबड़ ख़राब हो जाएगी वरना, ठीक है। और ये देख लो इसमें बांधते हैं जल्दी से लंगड़, और आपको दिखाते हैं फिर कि कैसे लंगड़ फेंकने वाले हैं और कैसे हम इन पतंगों को निकालने वाले हैं, हमारी जो दो दो पतंगे पड़ी है इधर। ये देखो ये रहा एक पार्ट हमारे शॉर्पनर का, और एक पार्ट ये रहा भाई, ठीक है। सबसे पहले हम बांधने वाले हैं भाई शॉर्पनर में ऐसे करके, ऐसे देखो इधर से निकाल के इधर से, ताकि ये सही से बंध जाए। ये देखो इधर से निकली, ठीक है भाई। और ये हमारी ये बंध चुकी है भाई शॉर्पनर के अंदर, अब देख लो ये कैसे हो गया, ठीक है। और आज हम इसकी मदद से भाई निकालने वाले हैं पतंगों को। ये इसमें लगेगा, इसे रख देंगे अभी साइड में और खाली उसे फेंकते हैं भाई। ये देखो मैंने रख दिया वो साइड में, और इससे निकाल के देखते हैं भाई आती है या नहीं आती। काफ़ी ज़्यादा हल्का हुआ पड़ा है, अगर ये नहीं गिराना हो आप तो हमें ना इसमें वो लगा देंगे रबड़, और फिर थोड़ा ये भारी हो जाएगा तो डालेंगे। और यहाँ से मैं इसे खींच लेता हूँ जल्दी से, और भाई इधर ही गिर लेता हूँ इसे, और फिर निकाल के देखते हैं हम अपनी पतंग। सबसे पहले ये वाली आएगी या वो वाली आएगी, देखते हैं लंगड़ फेंकते हैं। चलो दोस्तों इधर डाल देता हूँ भाई सबसे पहले, और ये देखो भाई मेरा लंगड़ वहीं भरा है, फंस गई डोर भाई इसकी इसमें। और भाई मैं उठा रहा हूँ धीरे 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 धीरे, और भाई बढ़िया तरीके से फंसी गई है अब तो शायद। धीरे उठा रहा हूँ भाई मैं, धीरे एकदम धीरे धीरे आ रही है आ रही है। अबे अबे भाई साहब यार आके भी छूट गई, पूरी आ गई थी ऊपर तक। इसमें ये लगा ही लेते हैं भाई, थोड़ा हैवी हो जाएगा इससे, और फिर आने में आसानी होगी। अब भाई गिरेगा तो गिरेगा, इसको इधर कर देता हूँ मैं, जो कि इसमें थोड़ा कस जाए। ये देखो ऐसे करके ऐसे, ये है ना इस सद्दी की मदद से थोड़ा टाइट हो जाएगा, और भाई ये निकलने का नहीं है फिर। ये देखो भाई अब हो गया ये टाइट, अब ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। अब दोबारा फेंकते हैं भाई इसे, भाई अब मस्त गया ये। और भाई अब उठ, अबे बच गई, निकल गई अभी भी डोर। और भाई थोड़ा लपेटने की कोशिश करता हूँ मैं इसमें डोर को। ये देखो मैंने इसे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ताकि इसमें अच्छे तरीके से लपेट जाए डोर। अबे भाई लो हमारा लंगड़ ही फंस गया ऐसे यार, ये देखो ये जो रस्सी है ना इसके अंदर फंस गया है, डोर भी फंस गया इसकी और लंगड़ भी फंस गया। ये देखो अबे यार डोर में भी फंसा पड़ा भाई ये फुल। देखता हूँ भाई निकाल के निकलेगा या नहीं निकलेगा ये, देखो दो। अबे यार ये तो लपटे ही लपटे जा रहा है। और भाई वैसे ही कुछ भी कहो शॉर्पनर से पतंग निकालने का आइडिया बेकार था, अभी से भाई मैं तोड़ देता हूँ। और भाई ये अब किसी और चीज़ से निकाल के देखते हैं भाई, लकड़ी वकड़ी से। ये देखो मैंने यहाँ पे लंगड़ जो बना रखा है ना अब इससे निकालते हैं भाई, क्योंकि हमारा वो उसके अंदर फंस चुका है। ये देखो ये लंगड़ बना रखा है ना जो मैं। दोस्तों भाई ये रस्सी छोटी पड़ रही थी, ठीक है, नीचे तक नहीं जा रही थी, मैं इसलिए इसमें ये बांध रहा हूँ ताकि ये लंबी हो जाए और ये हमारी नीचे चली जाए प्यार से, और ये अब जाएगी भाई। और भाई हमारी रस्सी में बहुत गंदी तरह फंस चुकी है ये पतंग की डोर, और ये देखो इसमें भी फंस गई है। अब इसे खींच लेते हैं भाई, और देखो अब की बारी, देखो शॉर्पनर भी हिल रहा है उधर से, पहले इसमें से ये टूटेगी तो वो वाली अवेले ले भाई लंगड़ी टूट गया हमारा तो। मगर एक बात ठीक है कि मैंने रस्सी फेंकी है। ओ भाई साहब सही हुआ रस्सी फेंकी थी, वरना अगर सद्दी फेंकी होती तो हमारी सद्दी अटक गई होती अब तक तो। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह इसके अंदर हो चुका है भाई, यार ये इधर फंस गई कपड़े में। हाँ हाँ निकली, अबे यार है गई भाई, हमारी जो लकड़ी थी वो भी खुल गई आज तो, और जो हमारी शॉर्पनर थी वो भी खुल गया। ये देखो भाई कितनी अच्छी तरीके से फंसी थी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये इतनी अच्छी तरीके से क्यों फंसी थी वो भी बताता हूँ मैं। ये देखो
यहाँ से भाई हमारी लकड़ी निकल गई, और मगर ये इसके अंदर इसलिए इतनी अच्छी तरीके से फंस गई क्योंकि उसमें शॉपनर में भी फंस गई थी और उसके पहले वाली डोर में भी फंस गई थी। अब दूसरी वाली पतंग निकालते हैं भाई, वो वाली ठीक है, और इसे तोड़ देते हैं जल्दी से और इसमें बांधते हैं दोबारा से लकड़ी। तो दोस्तों भाई अब मैं इसमें ये बांध रहा हूँ ठीक है, ये कील भाई। और सबसे पहले तो भाई अब हम देखेंगे कि शॉपनर कोई निकाल के कि शॉपनर आ पाता है या नहीं आ पाता। भाई हम शॉपनर को पतंग निकालने के लिए फेंक रहे थे, मगर अब हमें पहले शॉपनर ही देखना पड़ेगा क्योंकि जब तक वो तार में है जब तक भाई उसके आने के चांसेस हैं। और भाई ये जो पिछली वाली पतंग उतारी थी ना वो वाली देख लो कौन सी पतंग थी, मैं ट्रांसपेरेंट जिसको बोल रहा था। और भाई इस वाली पतंग से पेच वेच भी देखना चाहते हो ना तो बताना भाई, इसकी ना ये आंखें छुटा देंगे ना हम तो ये पूरी ट्रांसपेरेंट बन जाएगी, फिर हम सबकी पतंग काट सकते हैं। ये देखो किसी को दिखेगी भी नहीं फिर ये जब उड़ेगी तो। ठीक है दोस्तों कितनी आप बढ़िया पतंग है वो वाली। और देखो सबसे पहले तो ये रहा शॉपनर, हमारा शॉपनर में ही मारेंगे भाई, ये इधर की साइड सबसे पहले शॉपनर ही है। कभी आपके पास पता चले भाई रस्सी भी गई हमारी, मगर ऐसा होने नहीं देंगे। ये देखो ये रहा शॉपनर हमारा ठीक है, शॉपनर निकाल के देखते हैं भाई आएगा या नहीं आएगा ये, या फिर हमें ये शॉपनर आज गंवाना पड़ेगा या फिर। ये देखो भाई शॉपनर में गई है, ये देखो देख लो अवेले खुल गया शॉपनर का ढक्कन भाई, शॉपनर का ढक्कन खुल गया, मगर शॉपनर आ अबे शॉपनर आ गया। ओ भाई बताओ जिस चीज़ को लंगड़ फेंकने के लिए लिया था भाई हमने, देखो देख लो भाई कैसे हटाया कील में मस्त तरीके से। और भाई मैंने ये अच्छा हुआ कि भाई कील से ही फेंका था लंगड़, और ये देखो ये हमारा शॉपनर भाई आ चुका है तुम्हारे सामने। और बस भाई जो शॉपनर का ढक्कन था ना रबड़ की साइड का वो उधर ही गिर गया, वो गिरा पड़ा पतंग के पास। अब वो देखते हैं भाई कैसे ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे हम ठीक है। और शॉपनर तो भाई हमारा आ चुका है, अब इससे नहीं फेंक रहे लंगड़ इससे ही फेंकेंगे भाई जो हमारी कील है, क्योंकि भाई शॉपनर इतना कारगर नहीं है ठीक है। मैंने ये देखा ये जो ये वाली पतंग पड़ी है ना हमारी, इसे निकाल के देखते हैं हम जल्दी से कील से, ये कील छत पे ही पड़ी थी हमारे तो मैंने इसलिए यही ले ली। और जल्दी से अब इस वाली पतंग में फेंकते हैं इसे और देखते हैं भाई आएगी या नहीं आएगी ये वाली पतंग हमारी, एक बार में देखते हैं इसे। निकल गया और भाई ये देखो हमारी पतंग की डोर में गई है ठीक है, अरे ले निकल गई भाई दोबारा गई दोबारा निकल गई। और मैंने आगे ना सुलझाया इसलिए नहीं है भाई ताकि ठीक रहेगा, अगर सुलझा दूंगा ना मैं तो आने के कम चांसेस बन जाएंगे, सुलझाया नहीं ना मैंने तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे आने के। ये देखो ये रही इसकी डोर, ये देखो ये रही इसकी डोर, अभी से धीरे धीरे खींचते हैं भाई आएगी या नहीं आएगी देखते हैं। ये आ रही है आ रही है और ये आ रही है आ रही है भाई आ रही है हमारी डोर ठीक है। और भाई ये भाई अब हमने पकड़ ली अपनी डोर और अब जल्दी से पतंग खींचते हैं भाई, ये देखो माना अटक जाए कहीं। और भाई हमारी दोनों पतंगे आ गई, मगर भाई शॉपनर आज काम नहीं कर पाया भाई, शॉपनर ठीक नहीं है पतंग उतारने के लिए ठीक है। ये वाली पतंग थी ये देख लो इधर की साइड से देख लो, बहुत ज़्यादा बेहतरीन पतंग लगती है देखने में। और दोस्तों हमने दोनों पतंगें निकाल ली, मगर हमने शॉपनर का ढक्कन आज गवा दिया है। और भाई ये सही हुआ मैंने बाद में रस्सी से मारा था लंगड़, और भाई अगर रस्सी से नहीं मारा होता ना तो अब तक हम उतार ही रहे होते, और रस्सी इसे मारा था ना इसलिए वो जो सद्दी थी ना वो टूट गई थी प्यार से। दोस्तों देखो ये इसमें कितनी अच्छी तरह फंसा था भाई, ये जो लंगड़ है ना इसमें ये ऐसे करके फंस गया और ये प्यार से आ गया भाई हमारे पास। अगर पेन होता तो भाई पेन से भी ले सकता था मैं, मगर मैंने इससे ले लिया ठीक है, प्यार से आ गया इसके अंदर उलझ गया था। और मैंने ये सुलझाया इसलिए नहीं था भाई, जितना उलझा रहेगा ना उतना ठीक रहेगा, उतना ही हमारी डोर को ना प्यार से लपेट लेगा अपने अंदर और हम इससे पतंग खींच सकते हैं। और भाई हमने बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकाल ली इससे पतंग।